राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ द्वारा छठा राष्ट्रीय पंजाबी महासम्मेलन का अलवर में आयोजन किया गया। इस मौके पर श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत सिंह मुख्य अतिथि रहे। साथ ही पटौदी के महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव ने भी शिरकत की। इस मौके पर विधायक ज्ञानदेव आहूजा, बनवारीलाल सिंगल और सभापति अशोक खन्ना सहित रमन गुलाटी मौजूद रहे। संस्था के पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मंगल पर्णे मैरिज होम में आयोजित राष्ट्रीय पंजाबी महासम्मेलन का आगाज राधे श्याम आहूजा सहित समाज के लोगों ने गुब्बारे उड़ाकर किया। वहीं मंच पर अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से आयोजित छठे राष्ट्रीय पंजाबी महासम्मेलन में विभिन्न प्रांतों से आए पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस मौके पर आयोजकों द्वारा अतिथियों का माला पहनाकर और शाल उड़ाकर सम्मान किया गया। इस दौरान महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष सुषमा सेतिया, सचिव उमा भाटिया सहित गुलशन खुराना, जीएल भाटिया, सिकंदर वघावन, महेश पोपली और प्रेम प्रकाश खत्री आदि मौजूद रहे। वहीं मुख्य अतिथि श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव ने पंजाबी समाज की सराहना करते हुए कहा कि हमेशा समर्पण और त्याग की भावना रखने वाले इस समाज ने हमेशा अन्य समाजों को नई दिशा देने का काम किया है। सभी मेरी पूजा के पितातुल्य अपने बुजुर्गों, सम्माननीय बहनों, सम्माननीय नौजवान साथियों और पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो हमारे राजस्थान के अलावा जो भी यहाँ पंजाबी समाज के इस सम्मेलन के अंदर विभिन्न प्रदेशों से आए हुए अतिथिगण, उनका मैं मेरी तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से, अलवर जिले की तरफ से इस भर्तरी की पवित्र भूमि पे उनका नागरिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज ऐसा लग रहा है कि पूरा हिंदुस्तान अलवर के अंदर बैठा हुआ है। सेतिया जी के बारे में जितना कहा उतना ही कम है, इतना मृदुभाषी, और मेरे ख्याल से सेतिया जी से ज़्यादा शायद कोई पॉपुलर हो भी नहीं सकता। जिन जिन के प्रिय हैं, हमेशा दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रीय आपका अध्यक्ष है, पंजाबी समाज का जो राष्ट्रीय सम्मेलन जो यहाँ हो रहा है महासंघ का, इसमें समाज के जब लोग पूरे देश से आते हैं तो सबसे बड़ा जो उपलब्धियाँ होती है यही होती है कि एक दूसरे के बारे में जानकारी मिलती है, एक दूसरे को साथ जुड़ने का मौका मिलता है, और जो समाज संगठित रहता है, जो समाज एकता के अंदर रहता है, वही समाज इस दुनिया के अंदर आगे बढ़ता है। इस दौरान रामगढ़ विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने भी विचार रखे। राष्ट्रीय पंजाबी महासभा जो राष्ट्रीय स्तर पे अपना प्रतिनिधित्व करती है पंजाबियों का, और पंजाबी किसी भी जिले से आए, पाकिस्तान से और किसी भी क्षेत्र से आए, उन सबका प्रतिनिधित्व वहाँ था। लगभग उनके 12 या 13 जोन हैं, उनमें जोन में बटा हुआ है समाज महासंघ, और संगठन दृष्टि से, समाचार की समाज की दृष्टि से समाज की हर गतिविधि को वो कंट्रोल करते हैं और समाज को सेव करते हैं। उसमें मेरा भी भाषण हुआ, वो बिल्कुल अलग हटकर के साथ संगठन और समाज की व्यवस्थाओं में, हम लोगों ने संगठन का समाज का काम तो कर लिया और 2009 से संगठन बनाया, अब चल रहा है, पूरे देश में लोगों को जोड़ा है, परंतु अब समाज में प्रोडक्टिविटी की ज़रूरत है, बहुत प्रैक्टिकल हमारे बच्चों को दिशा देने की ज़रूरत है। सबसे पहला मेरा सुझाव था कि उसमें हम लोग बच्चों के लिए वेलफेयर फंड बनाएं 1 करोड़ रुपए का, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और पढ़ना क्या चाहते हैं, तो समाज के बच्चे IPS बने, IAS बने, RAS बने, RPS बने, और हर प्रांत का एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, सेंटर की IFS, इंडियन फॉरन सर्विसेज, एक कोचिंग, दूसरी कोचिंग पूरे दुनिया में और देश में हम लोग छा जाएँ, खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी कोचिंग पंजाबी महासभा प्रारंभ करें। इसके साथ में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और बड़े उद्योगों के लिए कोचिंग क्लासेस हो किस प्रकार से, क्योंकि अब तक हम ट्रेडिशनल काम करते हैं, ट्रेडर्स हैं, वी आर ट्रेडर्स, हम छोटे छोटे दुकानें चलाते हैं किराने के, कपड़े को, तो ये किया जाए। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में प्रथम दिन उद्घाटन सत्र के साथ ही राष्ट्रीय प्रबंध कार्यकारिणी की मीटिंग रखी गई, जिसमें विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुई। सायंकाल सांस्कृतिक कार्यक्रम और सम्मान समारोह आयोजित किए गए।